केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। बक्सर से पटना लौटने के दौरान उनके काफिले में चल रही लोकल पुलिस की एक गाड़ी सड़क किनारे बने बड़े गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत चार पुलिसकर्मी और चालक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके तुरंत पीछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की गाड़ी थी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी ठीक समय पर रुक गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए डुमराव सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री खुद भी घायलों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के दिशा निर्देश दिए। तो नहर छोटी नहर का जो पुल है जी, वो आठ फीट का लगभग जी जी जी, उसके पहले गड्ढा था जी, और उसके पीछे ये देख रहे हैं ना पुल, ये पुल दोनों गड्ढा है। पुल के पहले जी गाड़ी जो जा रही थी वो गड्ढे में पहला चक्का उसका गया जी, और उसके पीछे हम लोग की गाड़ी, हमारी गाड़ी थी, वो लोकल पुलिस का गाड़ी था, उसको टक्कर दे करके और पुल में नहर में सीधे फेंकाया दाहिने तरफ। ओपन पुल है वो, तो ओपन पुल है जी, और उस पर गार्डवाल नहीं है, ओपन पुल है और सड़क है लगभग 15 फीट का, लगभग 15 फीट का चौड़ी सड़क है, 8 फीट का मात्र जो है पुल है, 8-9 फीट का मैक्सिमम। ये बहुत ही दुर्भाग्य है जी। इतने इस हादसे में घायल महिला दरोगा और पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया है। बाकी 3 अन्य घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को अपने साथ ही पटना के लिए निकल गए।